डियर कोरोना वायरस, अब बस भी कोरोना। तो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोरोना के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखें। तो मैंने अपने दोस्तों से सजेशन मांगे कि किस चीज़ पे मुझे अभी वीडियो बनाना चाहिए। तो उनमें से दो के आए कि कोरोना से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस टाइप वीडियो बना। Everything about coronavirus, from memes to fact and myths to mythbusters. तो आइए देखते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे। coronavirus क्या है, वो कहाँ से आया, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है और अभी उसका ट्रीटमेंट किस तरह से हो रहा है। इसके अलावा एंड में कुछ फैक्ट्स होंगे, मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रही है उसके बारे में डिस्कशन होगा। लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि जानवरों से, जनरली बैट्स से, इंसानों में ट्रांसमिट हुआ है। कोरोना वायरस को नाम दिया गया है सार्स कोवी 2। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सार्स यानी कि सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि सार्स फैमिली वाले वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ होस्ट को अफेक्ट करते हैं। ये दूसरा वायरस है, कोवी 1 2003 में आ चुका है। वायरसेस की नेमिंग ICTU कमिटी करती है। कोरोना वायरस से कॉज होने वाली डिजीज को कोविड 19 नाम दिया गया है। ये नाम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ने दिया है, जो कि WHO द्वारा गवर्न होता है। क्या आप जानते हैं हम इस वायरस को नोवल कोरोना वायरस क्यों बोल रहे थे? तो नोवल वर्ड तब तक यूज किया जाता है जब तक किसी चीज की नेमिंग न कर दी गई हो, और इस वायरस की नेमिंग 11 फरवरी 2020 को की गई। तो दूसरा सवाल जो लोगों के दिमाग में उठता है वो ये कि ये वायरस आखिर आया कहाँ से और अचानक से इंसानों को इतना इफेक्ट क्यों करने लगा? जनरली इस टाइप के वायरस वाइल्ड एनिमल्स में सर्कुलेट होते रहते हैं। कोरोना वायरस का प्राइमरी होस्ट है वाइल्ड बैट और इंटरमीडिएट होस्ट है पेंगोलिन, जिनकी तस्करी की जाती है और खाया भी जाता है। इस फैमिली का एक और वायरस है मिडिल ईस्ट कोरोना वायरस, जो कि कैमल से ट्रांसमिट हुआ है। 2012 में इसकी रिपोर्टिंग की गई थी। सार्स कोवी 1 जो कि सार्स कोवी 2 का प्रेडेसर है, वो कैट्स के थ्रू 2002-03 में ट्रांसमिट हुआ था। हमें कैसे पता चलेगा कि कोरोना वायरस ने हमें इन्फेक्ट किया है कि नहीं, उसके लिए हमें सिम्टम्स जानना ज़रूरी है। कोरोना वायरस के जनरल सिम्टम्स हैं फीवर, टायर्डनेस, ड्राई कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कुछ और सिम्टम्स भी रिपोर्टेड हैं, जो कि है शरीर में आपको दर्द होगा, नेजल कॉन्जेशन होगा, रनी नोज होगी, सोर थ्रोट होगा और डायरिया होगा। सीवियर केसेस में निमोनिया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और किडनी फेलियर हो सकता है। अगर आपको आपके सिम्टम्स नॉर्मल फ्लू से ज़्यादा लग रहे हैं और कोरोना से सिमिलर लग रहे हैं तो टेस्ट कराइए। तो कोरोना वायरस किस एज ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट करता है? तो ऑब्वियसली बच्चों और बूढ़ों की इम्यूनिटी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट, तो उनको ज़्यादा इफेक्ट होना, उनको ज़्यादा रिस्क होने के चांसेस हैं। और बुजुर्गों में अंडरलाइंग डिजीजेज होती हैं जैसे कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, तो वो ऑलरेडी रिस्क में हैं। तो अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे दूसरों को कैसे ट्रांसमिशन होगा? तीन तरीके हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, स्नीजिंग या कफिंग, नॉर्मली 1 मीटर के दरमियान। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 14 days होता है। इंक्यूबेशन का मतलब इन्फेक्शन होने के बाद सिम्टम आने का टाइम पीरियड। जनरली ये 7 to 12 days में सिम्टम शो करने लगता है। जनरली एक इन्फेक्टेड पर्सन 2 to 3 नॉर्मल पर्सन्स को ट्रांसमिट करेगा ये वायरस। ये डायग्राम्स में प्रिवेंशन की गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसे हम इस ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं WHO और यूनिसेफ की तरफ से। आप इन्हें पढ़िए और आगे शेयर कीजिए। ट्रीटमेंट अभी तक तो कोई भी फाइनलाइज नहीं हो पाया है, पर बहुत सी वैक्सीन्स पे काम चल रहा है। हर एक देश वैक्सीन्स बना रहा है। वैक्सीन बनाने का काम स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज होती है प्री क्लिनिकल, उसके बाद वैक्सीन क्लिनिकल फेज में एंटर करती है। अभी तक 2 वैक्सीन्स क्लिनिकल फेज में आ चुकी हैं, जबकि 60 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो अभी प्री क्लिनिकल स्टेज पे हैं। 11 फरवरी 2020 को रॉकी माउंटेन लैब ने फर्स्ट इमेज, माइक्रोस्कोपिक इमेज ली थी कोरोना वायरस की, जो कि है ये।
17 मार्च को NIH ने दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैब करके कोरोना वायरस के लिए mRNA वैक्सीन बनाई, जिसका नाम दिया mRNA-1273। जनरली mRNA वैक्सीन में क्या होता है कि CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं और टाइप 1 इंटरफेरोन्स होते हैं, जो कि साइटोकाइन और कीमोकाइन प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं। mRNA वैक्सीन वाली अप्रोच HIV और सर्वाइकल कैंसर के लिए भी यूज हो चुकी है। एक दूसरी अप्रोच में एक एंटी पैरासाइटिक ड्रग आइवरमेक्टिन ने इस वायरस की ग्रोथ को 2 दिन में ही रोक दिया था। ये अप्रोच HIV, फ्लू, जाइका और डेंगू के लिए यूज हो चुकी है। क्या आपको पता है कि किसी भी वायरस या किसी भी बीमारी से ज्यादा जाने किस चीज ने ली है? उस चीज का नाम है अफवाह, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन। और मिस इन्फॉर्मेशन या अफवाह का सबसे बड़ा सोर्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और सबसे ज़्यादा उनमें व्हाट्सएप। अभी इस क्राइसिस के दौरान एक नया वर्ड कॉइन हुआ, इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक का मतलब होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच मेक्स सॉल्यूशन डिफिकल्ट। किसी भी वर्ड के पीछे डेमिक लग जाना, यानी कि पेंडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, वैसे ही ये इन्फोडेमिक है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन की महामारी है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फोडेमिक के लिए एक आर्टिकल में बहुत अच्छा कोटेशन था, जो कि मैं कोट करूंगा, व्हाट्सएप इज अ पेट्री डिश ऑफ कोरोना मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि व्हाट्सएप सबसे बड़ा कल्चर है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप की प्रॉब्लम यह है कि इसमें वन एंड टू अनदर एंड इनक्रिप्शन है, यानी कि व्हाट्सएप के कोई भी थर्ड पार्टी आपके मैसेजेस नहीं देख सकता। तो कोई भी चीज़ फॉरवर्ड करो, कुछ भी मैसेज भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पे कोई केस नहीं होगा। मिस इन्फॉर्मेशन या अफवाह फैलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसे टाइम में, ऐसे क्राइसिस के टाइम में ये अपने होप्स के साथ, अपने फियर्स के साथ खेलती है। कभी हमें सपोर्ट करती है तो कभी हमें गिराती है। इसका एक एग्जांपल है कि आयरलैंड में एक मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी कि आइबुप्रोफेन, जो कि एक पेन किलर है, उससे ये कोरोना ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा या आप पे नहीं फैलेगा। तो लोगों ने, 4 लड़के थे कम एज के, उन्होंने बहुत सारी पेन किलर ले ली, तो आज वो ICU में हैं। इस वीडियो में 20 से 30 मिस इन्फॉर्मेशन के स्क्रीनशॉट या पिक्स हैं, जो आप गौर से देखिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, और आगे लोगों को ये बताइए कि इस सब चीज़ों को मत मानिए और आगे ना फैलाइए। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN ने $1 बिलियन कमिट किए हैं इस मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए। वाइबर और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप WHO के साथ कोलैब करके सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अगर आपको पता करना है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिथ है या फैक्ट है, तो आप WHO के मिथ बस्टर पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट चाइनीज कंट्रोवर्सी। सो चाइना और अमेरिका में ये ब्लेम गेम चल रहा है कि किसने ये बायो वेपन बनाया और किसने किस पे छोड़ा। और चाइना ने टाइम रहते लोगों को क्यों नहीं बताया, पूरे वर्ल्ड को क्यों नहीं बताया इस एपिडेमिक के बारे में? इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री नहीं है, उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो कुछ कर सकते हैं। हमारे देश में भी आजकल ऐसे ही हालात बनते नज़र आ रहे हैं। गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत सिर्फ प्रेस और मीडिया के पास ही होती है, उनसे वो ताकत नहीं छीनी जानी चाहिए। और एक और सवाल कि जब ये वायरस चाइना से, वुहान से जन्मा है, तो क्यों ना इसका नाम वुहान वायरस या चाइनीज़ वायरस रखा जाए कोरोना वायरस की जगह पर? तो इन सब मैटर्स के लिए WHO में एथिकल कमिटी होती है, जो कि डिसाइड करती है कि किस बीमारी का, किस वायरस का कैसा नाम होना चाहिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, एड्स का पुराना नाम था ग्रिड। ग्रिड यानी कि गे रिलेटेड इम्यून डिफिशेंसी। तो इसका ये असर हुआ कि एक बैड स्टिग्मा, एक टैबू बन गया एड्स होना, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप होमोसेक्सुअल है तभी आपको एड्स होगा। इसलिए किसी भी बीमारी या वायरस की नेमिंग बहुत सोच समझकर की जाती है। तो हम एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन, हमें क्या करना चाहिए जिससे इस तरह की सिचुएशन से लड़ने में मदद मिले? तो सबसे पहले तो पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है, कम्युनल हारमोनी बना के रखनी है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज हमारी गवर्नमेंट ने जितने फास्ट एक्शंस लिए हैं शायद ही किसी देश की किसी गवर्नमेंट ने लिए हों। तो उन पे भरोसा रखिए, उन्हें सपोर्ट करिए और घर के अंदर रहिए। और जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो सब अपनी अपनी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करें कि साइंटिफिक कम्युनिटी को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। जितना एम्यूनेशन पे खर्च हो रहा है, उतना ही अगर एडवांस रिसर्च पे खर्च हो तो बहुत बेहतर होगा। This is me against the corona as a citizen, as a human, as a research student. Thank you guys.
तो दोस्तों, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करिए।